So thank you. Please like, share and subscribe and motivate us. Bye bye. ऐसे नजारों के साथ मस्त चाय चल रही है बंदीपुर बॉर्डर पे भाई, नेक्स्ट लेवल ट्रैफिक है। हेलो, वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में, एक और नए वीडियो में। आज डेट हो गई है 1st of January और अभी बज गए 9:30। तो कल का व्लॉग एंड करना मैं भूल गया था। हम लोगों ने मतलब काफ़ी सारी अच्छी मतलब कल का बहुत सारी जगह घूमे, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया मस्त तरीके से, 31st सेलिब्रेट हम लोगों ने की मज़ा आया। होप करते हैं आपको भी मज़ा आया होगा, ठीक है। अगर मज़ा आया है तो लाइक करना है, पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना है। भाई आवाज़ भी मतलब थोड़ा वो हो गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड है कि भाई बात ही मत पूछो। हाँ, और हम ये जो होटल पे रुके हैं उसका नाम है होटल आदर्श इंटरनेशनल जैन मैनेजमेंट। तो हम लोग अभी फर्स्ट डे को यहाँ पे खाने आए थे, मैंने वो दिखाया था। तो वो ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट था और उसके ऊपर ही होटल था जो ये होटल आदर्श है, ये वाला होटल आदर्श। यहाँ पे जैन फूड भी मिलता है और अच्छा होटल है। तो मैं जल्दी से जल्दी आपको ये होटल टूर दे देता हूँ। यहाँ पे एंट्रेंस है, एंट्रेंस के सामने यहाँ पे शीशा है, यहाँ पे बाथरूम है। बाथरूम में आपको दिखाता हूँ, रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, ठीक है। और ऐसा कुछ रूम है यहाँ पे, ऐसा बैठने के लिए भी रखा है। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, मतलब मेन रोड टच ही है होटल, कुछ अंदर नहीं है। काफ़ी अच्छी होटल है ये, मैं रिकमेंड करूँगा ये होटल को। और टीवी है, टीवी हम लोगों ने देखा नहीं, कल इतने थक गए थे। ये साइड भी टेलीफोन वगैरह दिया है, मेरा ये टेलीफोन चल नहीं रहा था, पता नहीं क्या रीज़न, टेक्निकल कुछ रीज़न की वजह से। ये बाथरूम है, बाथरूम की काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे है, हमारे रूम पे तो वाईफाई नहीं आ रहा था, हम सेकंड फ्लोर पर रह रहे थे, पर 24 आवर्स हॉट वाटर अवेलेबल था। और रूम की सर्विस भी अच्छी थी, मतलब ये मैं रूम रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। चलो भाई अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मसाला डोसा पूरी भाजी, ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पूरा बॉलीवुड स्टाइल पे। भाई एक चीज़ कॉमन है मैंने जो ऑब्जर्व की है, यहाँ पे बहुत सारी होटल पे है ना ये लोग टूर प्रोवाइड करते हैं, छोटी बस पे, ऐसी बस देख सकते हो आप, ऐसी बस है ना ग्रीन कलर की, वैसी बस पे। और यहाँ पे हर एक टूर का 300 रुपीज़। अच्छी बात है, आप अगर ऊटी आ रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो, टूर ही मतलब यहाँ पे कर लो, बस में सारी जगह घुमाएंगे पूरी। तो भाई ये वाला है पूरा पार्किंग, यहाँ पे कार के लिए 40 रुपीज़ पार्किंग है पूरा, और अभी एंट्री के लिए भी 40 रुपीज़ है पर पर्सन। भाई साहब 200 रुपीज़ है हॉर्स राइड का, कर सकते हो आपको करना हो तो। अभी अमोल भैया जाएंगे, बैठेंगे, उसका एक्सपीरियंस वो बताएंगे। ओ भाई 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 साइड में हट जाओ भाई, किक विक ना मार दे ये। हॉर्स राइड स्टार्ट हो गई। वाह, अजीबी टाइप का पेड़ लग रहा है पूरा, यहाँ पे खाली और ऊपर पत्ते। गवर्नमेंट रोज गार्डन भाई, यहाँ पे है एंट्री और ऐसा सब कुछ दिख रहा है, अच्छा है भाई, बहुत मतलब लोग यहाँ पे है। और पूरा कटिंग वटिंग अच्छा किया है पेड़ का, मतलब जो भी है ना ये गार्डन का। देखते हैं अंदर क्या क्या है और दिखाते हैं आपको भी पूरा। भाई मस्त यहाँ पे व्यू आ रहा है पूरे, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप है यहाँ पे। और ये एक टाइम पे पूरा माउंटेन ही होगा ऐसा, मतलब इन लोगों ने कट 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 करके पूरा अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। तो गार्डन में तो मतलब ऐसा ही है, ये रोजेज है कुछ जगह अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट कलर के रोजेज, कुछ फोटो पॉइंट्स रख दिए हैं जैसे कि वहाँ पर भी देख सकते हो, फोटोज़ वगैरह के लिए अच्छा है जगह। और मतलब सच कुछ हाँ, वहाँ तक नीचे तक जा रहा है पूरा गार्डन में, तो यही है, इससे ज़्यादा मतलब कुछ अगर है नहीं। बैठ सकते हो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, वरना सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हो। हाँ,
अच्छी जगह है, यहाँ से व्यू बहुत मस्त आ रहा है। यह फाउंटेन भी है, नीचे आए तो फाउंटेन दिखा और यहाँ पे देखो मस्त वाला रेनबो, वहाँ से पानी निकल रहा है और यहाँ मस्त रेनबो दिख रहा है एकदम मस्त। पूरी ऊटी की गलियों में घूम रहे हैं हम अभी, पूरे से रास्ते है। ओ अब यहाँ दिखा रहा है, वहाँ तो गाड़ी है सामने। ओ भाई अभी हम जा रहे, अभी बज गए हैं 2:30 और अभी हम जा रहे थे मैसूर की तरफ अपने घर। तो यहाँ पे मस्त व्यू दिखा, पूरा देखो मस्त व्यू है और इतना ठंडा यहाँ पे टेम्परेचर है, अभी 18 डिग्री चल रहा है यहाँ पे। कितना मस्त वेदर है, फोटोज़ वगैरह लिया, बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली जगह है, मस्त। So thank you, please like, share and subscribe and motivate us. Bye bye. रियल एक्सपीरियंस पूरा अलग ही होता है, वीडियो में मतलब थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ता है। तो नीचे जैसे नीचे जा रहे हैं ना वैसे घर बढ़ रहे हैं, ज़्यादा घर हो रहे हैं। पाइन फॉरेस्ट देख लो भाई। ओके ओके, मधुमलाई जंगल मतलब तमिलनाडु में है ना ये? कर्नाटक तमिलनाडु को ज्वाइन करता है तो सर। नहीं, तो तमिलनाडु में है ये, तमिलनाडु में, उसका कोई अलग नाम है ना, बंदीपुर। ओ भाई साहब जा रहे हैं अभी तो, पूरा देखो सामने बादल ही बादल। ज़्यादा यहाँ पे ठंडी है ना भाई, पहाड़ी पे मैगी खाने का मजा ही अलग होता है। मिल जाता तो और भी होता, सॉस मिल जाता था। मुझे चाहिए सॉस पाउच जैसा, बहुत मस्त है ना। तो भाई ऐसे नज़ारों के साथ मस्त चाय चल रही है और बहुत ही भाई मज़ा आ रहा है चाय पीने में अभी। YouTube चैनल हाँ, ऐसा ना अभी तो अपन कहीं के नहीं है अभी, नहीं यश अभी अपन कहीं के नहीं है, नो मैंस लैंड में अभी। तो ये बस यार क्या है, ट्रैफिक करेगी अननेसेसरी भाई इसको यार, बहुत जल्दी है, नेक्स्ट लेवल ट्रैफिक। आगे चेकिंग हो रही होगी है ना, इसीलिए बंदीपुर बॉर्डर पे भाई नेक्स्ट लेवल ट्रैफिक है अभी देखो, ऐसा पूरा वहां तक ट्रैफिक है, पूरा वहां तक भाई। अभी बज गए 11 और पूरा रास्ता देखो सुनसान है। ये है मैसूर बेंगलोर हाईवे और हम रुक गए थे, देखते हैं घर पे कितने बजे पहुंचते हैं, एक तो बज ही जाएगा ना घर पे। ओके भाई 3 बज गए रात को और हम जस्ट अभी घर पे पहुँचे भाई। मतलब हाईवे मतलब बहुत ही अच्छा था, एक दो बार स्टॉप लिया, एक बार खाने के लिए और दूसरी बार कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए, पर बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही सक्सेसफुल रही हमारी ऊटी ट्रिप, हमें बहुत मज़ा आया। हम आशा करते हैं आपको भी बहुत ही मज़ा आया होगा। और बाहर का वेदर देखो एकदम मस्त हो रहा है अभी, टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री हो रहा है, 20 से तो कम ही लग रहा है मुझे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो काफ़ी प्लेजेंट है। तो इसी नोट पे हम ऊटी ट्रिप का यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी दूसरी कोई भी बढ़िया सी ट्रिप में, तब तक बाय। और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आए हो, यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट करना, लाइक भी करना अगर पसंद आया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, गुड नाइट, जय हिंद।